नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन के जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है उनके लिए दोबारा से डेट बढ़ा दी गई। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा ये 4/5/2023 को लेटर आया है। नव नियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग हेतु अंतिम सूचना ये बताया गया है इन्होंने। संपूर्ण जानकारी देखते हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे जानकारी। दिनांक 30/3/2023 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग तीन, वर्ग दो और वर्ग एक के पदों के लिए जारी नियुक्ति आदेश में 15 दिवस की समय अवधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश थे। तदुपरांत ऐसे नव नियुक्त शिक्षक जिनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था ज्वाइनिंग नहीं ली गई को अंतिम रूप से दिनांक 27/4/2023 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित किया गया था। बताया गया था कि 27/4/2023 तक आप ज्वाइनिंग कर लें, लेकिन अभी भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा 27/4/2023 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा ज्वाइनिंग की समय सीमा में वृद्धि की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है। जैसे मान लीजिए उनकी ज्वाइनिंग की डेट निकल गई आपकी 27/4/2023 को, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और उन्हें अनुमति भी नहीं मिली है, ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि वे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। यदि वे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो दिनांक 10/5/2023 तक, कितने तक, 10/5/2023 तक शासकीय कार्यालय दिवस में लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल में विलम्ब के कारण सहित, मतलब क्या कारण था कि आप विलम्ब हो गए, विलम्ब के कारण सहित अभ्यावेदन के साथ उपस्थित हों, यानी क्या कारण था कि आप विलम्ब हो गए, ऐसे अभ्यावेदन के साथ उपस्थित हों, दिनांक 10/5/2023 तक उपस्थित ना होने वाले अभ्यर्थियों को के नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माने जावेंगे। यदि आप 10/5/2023 तक ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हैं तो आदेश निरस्त माने जावेंगे। उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप फिर कहीं भी जाओ आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियों की कार्यवाही की जाएगी। फिर प्रतीक्षा सूची में से नियुक्तियाँ की जाएंगी। प्राथमिक शिक्षक के ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 26/11/2022 के क्रमांक में जारी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये रहा आपका संपूर्ण आदेश। जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है उनके लिए सरकार ने एक और मौका दिया है, आप जाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।